नमस्कार, मैं धर्मेंद्र गुरु कृपा एसोसिएट की तरफ से आज आपका फिर से स्वागत करता हूं। और आज मैं आपके लिए 50 गज का 2 मंजिल जैसे मकान लेके आया हूं। ये मकान हमारा 2 साइड ओपन रहने वाला है और फ्रंट जो रोड आपको मिलेगी वो 25 फीट का आपको वाइड रोड मिलता है और बैक साइड में आपको 15 फीट की गली मिलती है। इस मकान की अगर मैं लोकेशन की बात करूँ तो लोकेशन बहुत प्राइम लोकेशन रहने वाली है और नियर बाय मैं बात करूँ तो गांधी चौक आपका नियर बाय रहने वाला है। मोहन गार्डन में ये मकान आता है और आपके मकान से ई रिक्शा फैसिलिटी मात्र 300 मीटर की दूरी पे आपको ई रिक्शा फैसिलिटी मिल जाती है, जो कि आप ई रिक्शा वाले को 15 रुपये देंगे और वो आपको द्वारका मोहन मेट्रो स्टेशन ड्रॉप कर देगा। अब मैं आपको इस मकान का फ्रंटेशन और प्लस अंदर से आपको दिखाने जा रहा हूँ, तो मेरे साथ वीडियो में बने रहिए और चलते हैं हम अपने मकान के फ्रंट एलिवेशन में। नमस्कार, आप मकान के फ्रंट रोड देख रहे हैं जो कि आपको 25 फीट का आपको वाइल्ड रोड मिलता है जो मैं आपको दिखा रहा हूं। दोनों साइड आप रोड मैं आपको दिखा रहा हूं, ये आप दूसरी तरफ भी देख लीजिए, पूरी पक्की रोड है और सिविल लाइन भी डले हुए हैं। और ये मकान का आपको फ्रंट एलिवेशन मैं दिखा रहा हूँ। 2 मंजिल जड़ से बना हुआ 50 गज का 2 साइड ओपन मकान और ये हमारे मकान का एंट्रेंस है। अब हम चलते हैं अंदर। पूरे मकान के अंदर फर्श पे जो काम किया हुआ है वो मार्बल का पत्थर लगाया हुआ है और ये हमारा फर्स्ट बेडरूम है जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। और ऊपर की तरफ आप देख रहे हैं जो हमने ये स्टोरेज जगह बना रखी है, आप उसमें वेस्टेज समाज कुछ भी रख सकते हैं ऊपर की तरफ। और ये पूरा कमरा आप देख रहे हैं, वेंटिलेशन वाला पूरा मकान है, आपको विंडो एसी लगाने के लिए मिल जाती है, खिड़की मिल जाती है, तो कोई दिक्कत नहीं। और ये हमारा वॉशरूम भी काफ़ी बड़ा है और टाइल वर्क का भी काम हो रखा है तो नीचे से लेकर ऊपर तक। और ये हमारी स्टे हैं जो ऊपर की तरफ जा रही है, अभी हम ऊपर भी चलेंगे। मैं आपको इसके बाद आप किचन दिखाने जा रहा हूँ, ये हमारी किचन रहने वाली है। और किचन के ऊपर भी आप देखेंगे तो वहाँ पे भी आपको स्टोरेज सामान मिल जाता है जहाँ पे आप अपना कोई वेस्टेज सामान रख सकते हैं। और ये पूरी एल टाइप किचन आप देख लीजिए, नीचे भी काफ़ी स्टोरेज रख सकते हैं, आप ऊपर भी रखना चाहें तो ऊपर भी जगह बना रखी है। काफ़ी अच्छा मकान है, किचन में भी काफ़ी अच्छा वर्क कर रखा है। अब चलते हैं हम अपने दूसरे बेडरूम में। ये हमारा 15x12 का कमरा है, रहने वाला है, तो इस कमरे में आप देख लीजिए कहीं कोई सीलन सिपेज नहीं है। अगर छोटा मोटा कोई भी काम हमें कराना होगा तो हम आपको करा के दे देंगे जो आप बोलोगे। और अब इसकी मैं पीछे की गली भी आपको दिखाने जा रहा हूँ, तो देखिए पीछे की गली भी काफ़ी खुली गली है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इस मकान में आपको। 2 साइड ओपन मकान ये रहने वाला है। और ये पीछे वाली रोड आप देख लीजिए, ये भी आपको पक्की गली मिलती है, सिविल लाइन है, गैस पाइप लाइन है, तो कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे आपको। और ये मकान का बैक साइड का फ्रंट एलिवेशन मैं आपको दिखा रहा हूँ। चलते हैं ऊपर। ऊपर भी आपको 2 कमरे किचन मिलते हैं, जैसे कि ये किचन है हमारी एल टाइप की और ये हमारा कमरा। इसके साथ ही आपको बालकनी मिलती है। कमरे का साइज भी आप देख लीजिए, 15x11 का आपको ये कमरा मिलता है। ये बालकोनी और बालकोनी के साथ में ही आपको एक टॉयलेट सीट मिल जाती है और ये पूरी बालकोनी। और ये आपको एक बेसिस मिलता है और उसके बाद ये एक और कमरा है 15x11 का।
उसके साथ भी आपको बालकनी मिलती है। और ये फ्रंट रोड में एक बार फिर से आपको दिखा दूं, तो देख लीजिए पूरा रेजिडेंशियल एरिया है ये, ठीक है। और ये हम ऊपर आए हैं तो ऊपर भी आपको स्टोरेज में इतना सामान रखने की जगह मिल जाती है, तो ये देख लीजिए पूरा आपको स्टोरेज मिल जाता है, तो आप यहाँ पे भी अपना कोई वेस्टेज सामान रख सकते हैं। अब आ गए हैं अपनी हम मकान की रूफ पे, ये हमारी मकान की रूफ रहने वाली है दोस्तों। आप रूफ पे भी हमने एक बाथरूम दिया हुआ है। इस मकान की अगर आप साइड विजिट करना चाहते हैं तो आप हमारे दिए हुए नंबर पर कॉन्टेक्ट करके इसकी साइड विजिट कर सकते हैं। और मैं अब आपसे आज्ञा चाहता हूँ और एक रिक्वेस्ट करूँगा, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें दोस्तों। धन्यवाद।